जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं आप सबको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके जीवन में रुक रहे जो भी कार्य हैं सब पूर्ण होंगे। बहुत ही सरल और सुलझा हुआ उपाय है। आप सब रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 24 जुलाई को एकादशी है, तो इस दिन आप यह उपाय करें। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाना है और किसी दिन नहीं करना है यह। अगर आप 24 जुलाई को नहीं कर पाते हैं तो आप आगे आने वाली नेक्स्ट मंथ की एकादशी को यह उपाय करें, लेकिन यह उपाय होगा एकादशी के दिन ही। और यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, माता पिता हो, कोई भी। यह उपाय आपके घर में धन संपदा लाएगा, आपके जो भी कार्य रुके पड़े हुए हैं वो सब पूर्ण होंगे। अगर किसी ग्रह दोष की वजह से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वो सारे कार्य संपन्न होंगे इस उपाय को करने से। बस दोस्तों, शर्त एक है कि मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जरा सी भी निगेटिव थिंकिंग, जरा सा भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य ही फलदायी होंगे उपाय। सिर्फ आजमाने के लिए करेंगे, मन में यह आ गया कि चलो आजमा कर देख लेते हैं इस उपाय को भी, तो वह कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। इसलिए पूर्ण विश्वास हो तो ही उपाय करिएगा। चलिए जानते हैं करना क्या है। हमें एकादशी के दिन एक लोटा जल लेना है। जल कहाँ से लेना है? जो पीने का पानी, पीने का मटका भर के रखा जाता है, उससे। अगर आप मटका नहीं रखते हैं, फिल्टर रखते हैं, तो उस फिल्टर से लीजिए, लेकिन जल उसी में से लेना है। एक लोटा जल लेके जाइए, एक बेल पत्र लेके जाना है। दोस्तों, ये तो आप सब भी जानते होंगे कि बेलपत्र में जो डंठल होती है, वो जिस स्थान से, वो पेड़ से अपने अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है, उस जगह को तोड़ के अलग कर देते हैं। वो मोटा पॉइंट होता है, वो बेलपत्र की लकड़ी में, डंठल में, जो पीछे का मोटा हिस्सा होता है, उसको तोड़ दिया जाता है। वो कभी भी शिवलिंग पर नहीं अर्पित किया जाता है। और पूरी डंडी तोड़ के अलग नहीं करनी है, पीछे के डंठल थोड़ी सी। हम जिस तरह से बेलपत्र को पेड़ से तोड़ते हैं तो पूरी डंडी टूट जाती है, तो उस पूरी डंडी में से आधी डंडी आप पीछे के हिस्से की तोड़ के अलग कर दें। एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल, एक या जितने भी आपको सफ़ेद फूल लेने हैं। उसके पश्चात आप ये सब लेके मंदिर जाएं। मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ आप सबको शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि मालूम होगी। सर्वप्रथम गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर अशोक सुंदरी माता पर, फिर माता गौरी के कटिभाग पर, उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ की पांचों पुत्रियों पर, उसके पश्चात शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, और उसके पश्चात नंदी भगवान पर। तो इस तरह से जल अर्पित करें, उसके पश्चात बेलपत्र अपने से अपोजिट डायरेक्शन में उसकी लकड़ी डंठल होनी चाहिए, इस तरह से रखें। मतलब जो उसकी लंबी पत्ती होती है बीच वाली, उसका मुंह आपकी साइड होना चाहिए। और उसके पश्चात उसके ऊपर से सफ़ेद फूल अर्पित कर दें, और फिर वहीं पर खड़े होकर 3 बार यह शब्द बोलें, स्वधा स्वधा स्वधा, और अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में ये बाधाएं आ रही हैं, कृपा कर इसे दूर करें। और हाँ, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पूजा करने के बाद यह बोलना कभी ना भूलें कि प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता आपकी आराधना कैसे करनी है, पूजा की विधि नहीं मालूम, मंत्र नहीं मालूम, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, अतः अज्ञानतावश या बुद्धि भ्रांति कारण मुझसे जो भी न्यूनता या अधिकता हो गई है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। कृपा कर मेरी इस त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण आराधना, भक्तिहीन, क्रियाहीन, अशुद्ध आराधना को पूर्ण कर, शुद्ध कर आप स्वीकार करें। मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पर कृपा करें।
इस तरह से अवश्य ही बोलना चाहिए दोस्तों। इससे अगर हमारी आराधना में, हमारी पूजा में जो भी अगर कुछ त्रुटियां हो भी जाती हैं तो भगवान उसे क्षमा कर हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। इस तरह से बोलकर आप घर वापस आ जाइए। देखिएगा दोस्तों, अगली एकादशी आने से पहले आपके सभी बिगड़े और रुके कार्य बनने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, इसे घर पे शिवलिंग बना के अगर आप कहें कि हम वहाँ पर ये उपाय कर लें तो नहीं, आपको ये उपाय, जो भी उपाय हैं वो मंदिर में ही किए जाते हैं। मेरे अक्सर हर वीडियो में कोई पूछता है क्या ये उपाय हम घर में कर सकते हैं अगर घर में शिवलिंग है। घर में आप चाहे शिवलिंग की आपने स्थापना ही क्यों ना करवाई हो, घर में कोई उपाय नहीं किया जाता है। अगर आप चार कदम चल के मेहनत करके किसी चीज़ तक नहीं पहुँचेंगे तो आपको उसका फल कैसे मिलेगा ये बताइए। इसलिए कोई भी उपाय मंदिर जाकर ही करने चाहिए, तभी फल देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए तथा सबके साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भी भला होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।